નમસ્કાર. મહેફિલિન લોકડાઉનમાં આજે શ્રદ્ધાનો ઉત્સવ ઉજવાશે. પ્રસિદ્ધ કથાકાર ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યાની અમૃતવાણી માણીએ મહેફિલિન લોકડાઉનમાં. પ્રિય સ્વજનો, વર્તમાન પરિસ્થિતિ કે ઉપલક્ષ્ય મેં એક કવિને કહા હૈ, જો કહેતે થે મરને કી ભી ફુરસત નહીં હૈ, વે સબ મરને સે બચને કે લિયે ફુરસત મેં બેઠે હૈ. બાત ભી તો સહી હૈ. પ્રત્યેક વ્યક્તિ કો અપના જીવ અપના જીવન પ્યારા હોતા હૈ. જાન હૈ તો જહાન હૈ. અપનો ઓર અપને કી સુરક્ષા કે લિયે, કોરોના વાયરસ કી મહામારી સે બચને કે લિયે, પ્રિય સ્વજનો, એકમાત્ર ઉપાય હૈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ. સભી લોગ અપને ઘર મેં રહે, સ્વસ્થ રહે, સુરક્ષિત રહે ઓર હેલ્ધી રહે. ફિર ભી આજ મેરે આપકે સામને સંવાદ કે લિયે ઉપસ્થિત હોને કા કારણ હૈ કી સમાજ કે એક તબકે કે લોગ કુછ એસે હૈ જો ઇસ બાત કો, ઇસકી ગાંભીર્ય કો સમજ નહીં પા રહે હૈ. કેન્દ્ર સરકાર કી ઓર સે, સ્થાનિક સરકાર કી ઓર સે, હમારે સંવેદનશીલ સાંસદો કી ઓર સે, પોલીસ પ્રશાસન કી ઓર સે ઓર સમાજ સેવકો કી ઓર સે, ડોક્ટરો કી ઓર સે વિનંતી કી જાતી હૈ સમાજ કે સભી પ્રતિનિધિઓ કો, ઓર ઉસમે હમે ભી કી હે ગુરુજન, આપ ભી જરા બાત કીજીએ, લોગો કો સમજાઈએ કી કિતના આવશ્યક હૈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ કરના, અપને ઘર મેં રહેના. પ્રિય સ્વજનો, આજ એક દો તીન છોટે છોટે પ્રસંગો કે માધ્યમ સે इसके गांभीर्य को आप तक पहुंचना चाहता हूं. एक व्यक्ति ईश्वर से कहने लगा कि प्रभु, यह कोरोना वायरस की महामारी की वजह से जो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, ये 21 दिन तो हमारे जीवन से कट गए ना, तो प्रभु इतनी कृपा करना कि ये 21 दिन मेरे जीवन में गिनना ही मत. मंद मंद स्मित करते हुए परमात्मा ने कहा, प्रिय मानव, ये 21 दिन ही तू असल रूप में जिया है, बाकी का पूरा तेरा समय तो इधर उधर भटकने में बीता है. परमात्मा की बात कितनी सही है. यदि हम ये 21 दिन का गृह निवास का, अपने अनुष्ठान का, एकांतवास का सही उपयोग कर सकें, अपने लोगों के समीप आकर, स्वयं के समीप आकर, सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरी दुनिया से तो जुड़े हुए हैं, वी आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये हो रही है कि वी आर डिस्कनेक्टेड विथ अवर ओन सेल्फ. हम अपने आप से बिछड़ गए हैं. विश्व भर के भक्तजनों से मेरा संवाद होता है तो जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, आज ही प्रातःकाल अमेरिका से हमारी डॉक्टर गीरा बहन से बात हुई, बड़ी संवेदनशील व्यक्ति है, और उनके पतिदेव नयन भाई, उन्होंने कहा, गुरुजी इतना आनंद आता है, प्रकृति का हम आनंद ले रहे हैं, पक्षियों के चहकने का आनंद ले रहे हैं. जिसको जीवन का सुख प्राप्त करना आता है वो किसी भी परिस्थिति में कर सकता है. और कई लोग ऐसे हैं कि ये अकेलेपन से उब जाते हैं. सार्त्र ने कहा था, इफ यू कांट एंजॉय योर ओन कंपनी, बीवेयर, यू आर इन अ वेरी रॉन्ग कंपनी. यदि आपको अकेले रह करके अच्छा नहीं लगता है, अपना एकांत अच्छा नहीं लगता है, निजानंद को आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप बड़ी गलत कंपनी में हैं. आपको भीतर जाकर देखना होगा, अंतर निरीक्षण करना होगा. प्रिय स्वजनों, बचपन में याद है आप लुका छुपी खेलते थे. सब लोग छुप जाते थे और एक व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर डांव आता था वो सबको ढूंढने निकलता था. आधुनिक युग में मैं कहूं तो हमारा ये कोरोना वायरस की महामारी में कोरोना के साथ लुका छिपी का खेल है. इस समय दांव कोरोना के ऊपर है और वो हम सभी को ढूंढ रहा है. यदि हम घर से बाहर निकले, ये तो बेस्ट उत्तम समय है घर में छिपे रहने का. यदि हम बाहर निकले, दिखाई पड़ गए कोरोना को. यदि हम नहीं निकले, छुप कर रहे, तो हम जीत जाएंगे. लेकिन यदि हम निकले बाहर और दिख गए कोरोना को, तो कोरोना हमें आउट कर देगा, केवल खेल से नहीं, जीवन से, इस विश्व से. इसके गांभीर्य को आप समझें प्रिय स्वजनों. और इसलिए डराने की बात नहीं है, कोरोना से डरो ना, लेकिन सावधानी अवश्य बरतो. और पॉजिटिव नोट पे इस बात को पूरी करूं, परमात्मा मानो ये कह रहा है,
पता है अब जब कोई नए रास्ते पर गुजरते थे, बॉम्बे में अभी मेट्रो चल रहा है तो सब जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं कि हम अच्छी के लिए थोड़ी समस्या इसको सहन कर लो, रिनोवेशन हो रहा है, काम चल रहा है, आपका भविष्य अच्छा होगा। मानो ये कोरोना की महामारी से बचने के लिए जो लॉकडाउन का प्रयोग है, परमात्मा ने हमें कहा है द वर्ल्ड इज क्लोज फॉर रिनोवेशन, ग्रैंड ओपनिंग सून। पूरा विश्व मानो एक रिनोवेशन के लिए, नए बनने के लिए अभी बंद है, और बहुत कम समय में यदि हमने धैर्य रखा तो बहुत कम समय में कोरोना की महामारी दूर हो जाएगी और विश्व का, एक नए विश्व का ग्रैंड ओपनिंग में हम उत्सव में सम्मिलित होंगे। इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।